दोस्तों आज इस वीडियो में यार हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की एक कमाल कंट्री बोलेविया के बारे में, जिसका ऑफिशियल नाम है प्लूरी नेशनल स्टेट ऑफ बोलेविया। इस कमाल और खास देश की दोस्तों एक नहीं बल्कि दो दो कैपिटल सिटीज हैं, जिनमें से दोस्तों पहली का नाम है सुक्री और दूसरी का नाम है लापेज। और यहाँ पर मौजूद जो सबसे बड़ा शहर है वो है दोस्तों सेंटा क्रूज दे ला सियारा। ये बेहद ही कमाल और खूबसूरत देश दोस्तों कुल मिलाकर फैला है 10,98,581 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इस हिसाब से ये पूरी दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश भी है। वहीं दोस्तों आज के दिन इसकी कुल पॉपुलेशन है 1,14,00,000 के आसपास, और पॉपुलेशन के मामले में इसकी रैंकिंग है नंबर 83 की। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो दोस्तों ये आता है हाई में, और इसका स्कोर है 0.703 जो पूरी दुनिया में रैंकिंग के हिसाब से बनता है 114 नंबर पर। बोलेवियन बोलिवियानो, और दोस्तों एक बोलेवियन बोलिवियानो आज के दिन इंडिया में आकर बनता है 10.5 रुपए। तो चलिए यार इस देश को ना करीब से जानते हैं। साउथ अमेरिका में दोस्तों ये एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा अमीर तो यार बिल्कुल नहीं माना जाता, और आज के दिन यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी के अंधेरे में जीती है। लेकिन इंडियन लोगों के मुकाबले दोस्तों यहाँ की लोगों की इनकम ना 3 गुना तक ज़्यादा भी हो सकती है। तो यार इतना ज़्यादा बुरा हाल तो इनका बिल्कुल भी नहीं है जितना इंडिया की कई बड़ी बड़ी स्टेट्स का है। हालांकि बात ये भी आ जाती है कि इंडिया में यार महंगाई काफ़ी कम है इस देश के मुकाबले, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा इनकम है तो यार खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे आती है। आज के दिन दोस्तों बोलेविया का पॉवर्टी रेट है 24.72% के आसपास। बोलेविया दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, और इस देश की दोस्तों और कोई पहचान है ही नहीं जितनी बड़ी इसकी पहचान है इसका साल्ट यानी नमक। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिन्हें दोस्तों साल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नमक ना बहुत भारी मात्रा में है। बोलेविया में आपको बहुत सारे ऐसे होटल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर दोस्तों बेड से लेकर सोफा और कुर्सी से लेकर मेज तक सब कुछ नमक से बनाया जाता है। हालांकि ये चीजें दोस्तों नमक से तभी बन पाती हैं जब इनमें केमिकल सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं। हर साल इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए दोस्तों यहाँ पहुँचते हैं 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग, और दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ आपको नेचर की ब्यूटी भी मिलेगी और यार मार्केट्स की कमाल की दुकानों की फीलिंग भी मिलेगी। और इसके अलावा यार साल्ट के चलते इस देश की जो खूबसूरती बनती है ना वो सच में देखने लायक है, और साल्ट डेजर्ट का मजा जैसा आपको यहाँ मिलेगा ऐसा दुनिया के किसी कोने में नहीं है। बोलेविया दुनिया के दोस्तों उन देशों में आता है जहाँ पर हर साल ना बहुत ही ज्यादा भारी भरकम तरीके से बारिश होती है। यहाँ की दूसरी कैपिटल सिटी लापेज दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा कमाल का शहर है जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। जीसस की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों आपको बोलेविया में ही देखने को मिलेगी, और ये 111 फीट तक ऊंची है। इस देश के रास्तों को बेहद ही ज्यादा खतरनाक और डरावने माना जाता है। शायद आपको हैरानी हो सकती है कि बोलेविया में आज के दिन भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शैतानों को काफी पूजते हैं, और इस देश में आज भी दोस्तों बलि चढ़ाने का बहुत ही गंदा और पाप वाला काम किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसा देश हो सकता है जहां पर कैदियों को जेल में रहना भी पड़ेगा और साथ में किराया भी देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों ऐसा होता है बोलेविया में। यहाँ पर कैदी जितने भी दिन जेल में बिताएगा उसे उतने दिन का किराया देना पड़ेगा। लेकिन बेहद ही कमाल का लॉ यहाँ का ये है कि यहाँ पर अपने परिवार को भी आप जेल में रख सकते हो। जैसे कि दोस्तों किसी को भी वहाँ पर अगर सजा हो जाए और उसे लगभग 2 साल तक जेल में रहना हो तो दोस्तों वो इंसान अपनी वाइफ को भी जेल में रख सकता है, बस उसे डबल किराया देना पड़ेगा। काफी वियर्ड है लेकिन शायद मजेदार भी। पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले बोलेविया की महिला की हाइट यार काफी कम होती है। हालांकि छोटी हाइट में भी यहाँ की लड़कियां बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा कमाल लगती हैं। शायद आपको हैरानी हो जाए कि यहाँ की वुमेन की एवरेज जो हाइट होती है वो होती है 4 फीट 10 इंच, वहीं दोस्तों पूरे वर्ल्ड की वुमेन की एवरेज हाइट है 5 फीट और 3 इंच। पूरी दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले दोस्तों तितलियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां इसी देश में है। शायद आपको विश्वास ना हो लेकिन दोस्तों इस बेहद ही छोटे से देश की ना कुल मिलाकर 37 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। साउथ अमेरिका का दोस्तों ऐसा पहला शहर लापेज था जहां पर बिजली का इस्तेमाल हुआ था। इस देश में टिंकू नाम का एक बेहद ही ज्यादा अजीबोगरीब और बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला खेल खेला जाता है,
जिसमें दो आदमी इकट्ठे होकर लगातार 2 से 3 दिन तक एक दूसरे को मारते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों घूमने लायक एक बेहद ही खास जगह है उयुनिस आर्ट फ्लैट। और दोस्तों ये तो इस तरह की जगह है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई जगह नहीं यार, बहुत बड़ा शीशा है। ये बेहद ही कमाल का शीशा दोस्तों कुल मिलाकर 10,582 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। असल में दोस्तों वैसे ये लॉजिकली कोई शीशा तो नहीं, लेकिन हाँ जब इस साल डेजर्ट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के बाद दोस्तों ये जगह ऐसी ही लगती है जैसे कि ये कोई आईना है, और आप अगर यहाँ चलोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यार मैं दुनिया के सबसे बड़े आईने के ऊपर चल रहा हूँ, ये फीलिंग कमाल होती है। तो चलिए दोस्तों ये थे कुछ कमाल फैक्ट्स यार बोलेविया के बारे में। ऐसी ही वीडियोस आगे भी आनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।